नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत अभी चिराग पासवान अभी यहां पर आए हैं। चिराग जी, लगातार जिस प्रकार से बिहार में जो स्थितियां बन रही है, हॉस्टलों में अब गोलियां चल रही है, खुलेआम चल रही है, अब बताइए अब इससे ज़्यादा अराजकता और क्या हो सकती है भैया। छात्र हॉस्टल जाते हैं पठन पाठन के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए। वहाँ पे जब अपराधी तत्व, असामाजिक लोग जब वहाँ पे घुसकर जब गोलियाँ चला सकते हैं, और ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मैं बार बार जिक्र उनका इसीलिए करता हूँ क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी उन्हीं के ही हवाले है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ वो मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी है। तो ऐसे में जब मेरे मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए वहाँ जाना तो बहुत दूर, इसके बारे में वो एक शब्द तक बोलना ज़रूरी नहीं समझते। चिंता और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी में इस घटना को अंजाम दिया जाता है, और जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। और जो निर्दोष हैं, जिनके ऊपर गोलियाँ लगी हैं, जिन्होंने गोली खाई है, उनको उल्टा जेल भेजने का काम प्रशासन के द्वारा किया जाता है। उन बच्चों को मैं PMCH मिलने गया था, वो दोनों बच्चे जिनको गोली लगी है अभी तक उनके ज़ख्म भरे भी नहीं हैं, घाव उनका भरा भी नहीं है, और दोनों को जेल भेज दिया गया। और वहीं पे जिन अपराधियों ने वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया, वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में, CCTV फुटेज मौजूद होने के बावजूद उनके ऊपर अभी तक FIR तक दर्ज नहीं हुई है। DGP साहब बोलते हैं भैया फैक्स कर दीजिए, फलाना कर दीजिए, तो हम लोग FIR दर्ज कर लेंगे। यहाँ पर अभी तक इन बच्चों की FIR दर्ज नहीं हुई है। आज कल हम लोगों ने लीगल एडवाइस ली है, आज हम लोग कानूनी माध्यम से उनके खिलाफ़ FIR दर्ज करने का आज हम लोग कार्य करने वाले हैं। पर इसमें प्रशासन की लापरवाही और प्रशासन का दोहरा चरित्र एक बात को तो स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा से दलित विरोधी उनकी सोच रही है, समाज के गरीब शोषित वंचित वर्ग से आने वाले लोगों का उत्पीड़न उनकी मानसिकता रही है, और ये पुनः उसका एक और जीता जागता प्रमाण है। बेगूसराय में भी गोलीकांड होता है, और जिस प्रकार से तमाम जगहों पर अभी लगातार गोलीकांड हो रहा है, तो क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, जिसका नीतीश कुमार लगातार कहते थे, अब एकदम भाई आप ही बताइए ना, सुशासन की सरकार है क्या ये? 30-30 किलोमीटर तक गोली चलती हुई जाती भाई, 30 किलोमीटर तक, आधे पौने घंटे तक, दो बाइक सवार इतने बेखौफ भाई। 40 साल की उम्र में मुझे नहीं याद कि इतिहास में कभी कोई दूसरी ऐसी घटना हुई होगी जहाँ पे अपराधी इतने बेखौफ हों कि आधे पौने घंटे तक बंदूक लहराते हुए दनादन दनादन आम बिहारियों के ऊपर गोली चलाते हुए वो जाएं, बिना इस बात की परवाह किए कि वो गोली किसी बुज़ुर्ग को लग रही है, महिला को लग रही है, बच्चे को लग रही है, या किसी युवा को लग रही है, बिना इस बात की परवाह। बिहार में जंगल राज का पदार्पण हो चुका, उसमें भी ताज्जुब पुनः इस बात का होता है कि भाई पुलिस आधे पौने घंटे तक थी कहाँ, क्या कर रही थी पुलिस, क्या कर रहा था प्रशासन। भाई ये सारी घटनाएं आम घटनाएं नहीं हैं, और ये सारी घटना बिना पुलिस प्रशासन के संरक्षण के संभव ही नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपराधियों को संरक्षण ये सरकार देती है, अपराधियों का संरक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। छात्रावास में गोली चल जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। सड़क पर आधे पौने घंटे तक मौत का ये तांडव रचा जाता है, पुलिस खामोश मूकदर्शक बनी देखती रहती है। ये तमाम घटनाएं प्रमाण हैं कि अपराधियों को संरक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रशासन। जंगल राज आ गया भाई, जंगल राज आ किया गया, ये तो जंगल राज की भी परिकाष्ठा है, डबल जंगल राज है भैया ये। अच्छा, ये मंत्रालय, चिराग जी, मंत्रालय की बात हो रही है आपको लेकर, और सेटलमेंट की बात हो रही है, लोजपा फिर से मर्जर की बात हो रही है, कई तरह की बातें आ रही है भाई, सारी बातें मीडिया में चल रही हैं। मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी, अपने संगठन के विस्तार में। ये सब जो बातें चल रही है, ये सब कोई बात भैया हमारी, चलिए बात कर रहे थे हम अभी चिराग पासवान से, और ये तमाम बातें कर रहे थे। बिहार में जंगल राज पार्ट 2 आ गई है, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, कैमरे के पीछे सूरज है, धन्यवाद।